क्षण त्वरा त्वरा पहचानती है प्रकृति के आवरण में अगति की गाथा रूपहली है प्रकृति के आवरण में अगति की गाथा रूपहली पर धर्म प्यारा अनोखा पुलक से उभरा रहा है पर धर्म प्यारा अनोखा पुलक से अपना रहा है कोकिला दी कूप दी अनुरोध का स्वर गा रही है कूपता आकाश आंसु से भरा रहा है चेतना पर ठहर कर क्षण द्वारा जानती है ये देख देख कर न्याय विकस मुरझा धरा पर लौटती है झूमते तर वृंद भी पल में धराशाही बने पर पवन क्या पर पवन रुक कर तनिक भी हाल उनका पूछता क्या पर पवन रुक कर तनिक भी हाल उनका पूछता क्या मखमली स्पर्श भी पर एक ठहराता है जह चाहते बेहद बिंदों को नहीं अब लोग की है जिंदगी का राज सबके राज ही है हमें स्वीकार आगे की नियति अपनी भली है जिंदगी जब झेल ली तब मौत क्या उससे बड़ी है मौत है अपनी सहेली छिपा है वरदान उसमें जिंदगी जो दे नहीं पाई मरण देने खड़ा है मृत्यु को जयमाल देने जिंदगी बढ़ती रही है आखिरी निष्कर्ष चंदन की चिता जलती रही सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना बहुमूल्य सेवा की है उन्होंने वरिष्ठतम साहित्यकार के रूप में कवि के रूप में और चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि यह सूर्य को दीपक दिखा दिखाने के समान होगा जिस प्रगति उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ उन्होंने अपने बहुमूल्य सफल बनाया मैं विशेष रूप से अपने अभिभावक स्वरूप पूर्ण बाबू जो पापा के दोस्त बन चुके हैं मित्र भी थे उन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया और इस विधान परिषद सभागार में यह सभा आयोजित करने में सहयोग दिया